जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द लवली पाइसेस पीपल। Pisces, क्या चल रहा है? आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे एंड आई थिंक यू आर चूजिंग योर मनी राइट नाउ। लव मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज आप एक मिशन पे हैं, आप अपने ही यू नो जोन में हैं। आपको लगता है कि आपको कहीं और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। यू वॉन्ट टू बी विद योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद द डिवाइन, ठीक है? और आप उस खोज में निकल चुके हैं और इट्स अबाउट कुछ लोग हो सकता है कि अपनी मनी पे फोकस कर रहे हैं। आपने अपने आप को आउटकास्ट करके लव सेक्टर में से, मुझे लगता है, और मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक यू आर स्टिल वेटिंग फॉर अ कनेक्शन, और मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक इन योर लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और सेपरेशन, और मे बी दिस पर्सन इज मैरिड, और या हो सकता है कि वो सम हाउ मतलब यू नो लाइक रिफ्यूज़ल मूड में है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ चेंज। या हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैरिड एंड रिस्ट्रिक्टेड, यू नो मुझे रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर फ्यूचर की बात करें, इस हफ्ते की बात करें, तो अगेन मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है पाइसेस, दैट देर इज़ लॉट ऑफ यू नो मेंटल कन्फ्लिक्ट एंड ऑल दैट गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। तो मुझे खास कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे आपके और इस पर्सन के अराउंड इस हफ्ते भी। ओके, देखिए दो चीज़ें हैं पाइसेस की लाइफ में, ऑप्शंस हो सकते हैं। ओ माय गॉड पाइसेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम पाइसेस की रीडिंग करें एंड वी डोंट गेट अ एम्प्रेस कार्ड। देख रहे हैं आप, यू आर एन एम्प्रेस, ओके, एंड वी हैव अ हायरोफंट, ओके, टेम्परेंस, सच ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स। अभी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इस फेज़ में हो सकते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीबडी, सब चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है दैट आने वाले टाइम में व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, दिस कनेक्शन। सी पाइसेस, हर किसी की अपनी एनर्जी है। अगर कोई स्पेसिफिक है आपके राउंड या कोई आपको पसंद करता है, आई एम गेटिंग बैलेंस, आई एम गेटिंग यू नो दैट एम्प्रेस कार्ड। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगेन आई एम गेटिंग टू स्टोरीज। कुछ लोग अपने आप को चूज़ करने वाले हैं और अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, तो मे बी चांसेस है दैट यू माइट गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, और हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप यू नो आगे बेहतर हो, और मे बी गेटिंग मैरिड, और मे बी स्पिरिचुअली यू नो आप दोनों आगे एक होके चलें। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइसेस, सच अ ब्यूटिफुल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नो चांसेस हैं कि ये कोई कनेक्शन है आपके अराउंड। देर इज समबडी अराउंड यू, अ ट्रू सोल मेट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, जो आपको पूरा करता है और जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ चलेगा। सो यू नीड टू फाइंड दैट पर्सन, और मे बी आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं या यू नो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं अभी, बट बिलीव मी वी हैव दिस पर्सन एंड एंजल विंग्स यू नो, और वी हैव सन एंड वी हैव मून। इट्स अबाउट टोटल बैलेंस। Oh my God, these are such a beautiful energy for the Pisces, so 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 powerful. और yes, this is what I'm getting. मुझे बहुत देख के अच्छा लग रहा है। Maybe you can get married to this person and you both may have a child as well. So let's hope for the best for Pisces. Okay, career wise. ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा?
करियर वाइज आई थिंक न्यू आइडियाज़, करियर वाइज इट सीम्स गुड. आप अपनी एनर्जी में हैं, आप अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, एंड योर एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ, सो गुड. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, टेंशन मत लीजिए. और लाइक न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग योर वे, और मे बी न्यू आइडियाज़ और बहुत कुछ नया, एंड यू आर गेटिंग डिवाइन हेल्प, यू नो. और डिवाइन अगेन, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन, इट्स अबाउट यू आर इन टू योर ओन जोन, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते करियर में, एंड यू आर लाइक, यू नो, आप अपनी फॉर्म में हैं बिकॉज आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. तो पाइसेस, इट्स अ गुड थिंग, कीप ऑन डूइंग योर वर्क. सो क्या गाइडेंस है, क्या डिवाइन गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, प्लीज हमें बताइए. ओके पाइसेस, देखिए यू आर क्वीन, ठीक है, आप उस एनर्जी में हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं. यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स, और जो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती. इफ़ यू स्टिल थिंक अबाउट सम पीपल, और यू नो लाइक आप मिरर करते हैं, इट्स ऑल अबाउट मिररिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस. और हमें नहीं पता होता कि हम कभी किसी से मिलते हैं तो हम प्रसप्शन बना लेते हैं, बट देयर इज़ समथिंग एल्स, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अबाउट यू नो एवरी थिंग हैज़ लाइक प्रोज एंड कॉन्स, वो चीज़ें. सो आपको आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, एंड नर्चर करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है. चीज़ों को टाइम लगता है, एक जब हम छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो उसको भी टाइम लगता है ग्रो होने में, यू नो, उसको टाइम लगता है चीज़ों को आगे बढ़ने में, थोड़ा टाइम लगता है. तो वो टाइम शायद हो सकता है आपको देने की ज़रूरत है, और आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है. आई विल पुल वन कार्ड, स्पेशल कार्ड फॉर द पाइसेस पीपल, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है. सो वन कार्ड पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है. ओके सो सच अ ब्यूटिफुल कार्ड वी हैव, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. देन वी हैव दिस नंबर इक्वल्स टू 10, वी हैव 37 नंबर, ग्रे. एंडिंग्स आर इनएविटेबल. अगर आपकी लाइफ में यू नो आपको लगता है कि आप कुछ यू नो स्टिल कैरी कर रहे हैं, यू नीड टू लेट इट गो, इट्स हाई टाइम नाउ. और अगर आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है, ये समझ के चलिए. और पछतावा मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए होता है. सो नीड टू गो. ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.